top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Digital India, गांव में भी पूरी तरह कारगर सिद्ध हो, इसके लिए सब लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना विकसित हो, सड़क बने, पीने का स्वच्छ पानी मिले, हर घर में शौचालय हो, जा रहे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जब हम ग्रामीण भारत के बारे में विचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से और काफी काम करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे लगता है कि आने वाले कल में वो सफलता के सुपन तक पहुंचेगा। सैमसंग बहुत अच्छी और प्रतिष्ठित कंपनी है जो फोन का निर्माण करती है, फ्रेज बनाती है, एसी फिटिंग वॉशिंग मशीन का उत्पादन करती है और सैमसंग के उत्पाद देश में भी और दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। सैमसंग ने फैसला किया है कि हम ग्रामीण भारत को रोजगार देने की दृष्टि से इसके डेवलपमेंट के काम में भी अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र पर रिपेयर की जो सुविधा है वो सुविधा भी हम हर गांव के व्यक्ति को उपलब्ध कराएं। आज सामान्य तौर पर सरकार की कोशिश है कि बिजली हर गांव में पहुंचे और दूर संचार की सारी सुविधाएं गांव तक पहुंचे, सारे नेटवर्क से गांव जोड़े और आज हम देखते हैं कि हो सकता है किसी जगह फ्रिज और एसी गांव में नहीं होगा लेकिन मोबाइल फोन को गांव गांव में आज पहुंच गया है। लेकिन फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, टीवी भी है, ये सब धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा है। स्वस्ति न इन्द्रो वृन्दद्रवाः स्वस्ति नः भूपः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टदेवेः स्वस्ति नो बृहद्वागर्जधातु हिरण्यगर्णम् मणिगर्ण सर्वलोकम् मणिकर्ण So, good afternoon everyone. So we have with us here two vans. The first van is a multi-purpose van which is totally retrofitted both for side. Along with the van, we have an engineer. The engineer has a tab with him. Along with the tab, there are n number of diagnostic the first visit itself. As you go behind the van, you will see that we have retrofitted the van to take care of electricity issues. We have a genset in the van. We have first time fix for the customer. There is provision to carry bulky spares. And also there is provision to carry small spares. So as the media, you all can go after this, you know, after the inauguration of the vans and take photographs of the particular vans. So I request now, I hand over the mic to, yeah, so that we can get a better cutting. Thank you so much, sir. Another big one for cutting. Today's historic day of anticipation with all part making history here today, all of us, as we will be reaching every corner of our country with a smile on our face. Yes, sir,
question to please officially cut the ribbon and mark the square open. Woo! And that's a big round of applause, ladies and gentlemen, the staff of the tonight's service initiative. But that's not all, we shall now be adding. शेयर किया था अपनी प्रेजेंटेशन में, भारत का जो एक्सपेंशन हो रहा है 69% हमारी पॉपुलेशन रूरल इंडिया में है, और जितने गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम चल रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म, एक क्रांति लाना चाहते हैं रूरल इंडिया में, सो सैमसंग चाहता है कि हम भी उस जगह पे मौजूद हो अपने कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि इन कंज्यूमर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स पहली बार बाई कर रहे हैं, पहली बार फ्रिज ले रहे हैं, पहली बार माइक्रोवेव ले रहे हैं, पहली बार फोन ले रहे हैं, स्मार्टफोन ले रहे हैं, तो उन कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए सैमसंग चाहता है कि हम वहां पहुंचे और उनकी मदद करें। सैमसंग पहले से भी था रूरल इंडिया में, लेकिन ये जो एक्सपेंशन है आपने देखा, जैसे कि 50% बढ़ावा कर रहे हैं हम अपने सर्विस पॉइंट्स में, 2000 सर्विस पॉइंट से हम 3000 सर्विस पॉइंट जा रहे हैं, और इससे हम पूरे कंट्री के 6000 से ज्यादा तालुका उसको हम अपनी कवर करेंगे अपने सर्विस सेंटर्स के जरिए, अपने रेजिडेंट जो इंजीनियर हैं हमारे लोकेशन पे रहते हैं उनके जरिए, और इन वैन्स के जरिए जो 535 वैन्स हैं जो कि पूरी इंडिया में चलेंगे। सर जो सर्विस नॉर्मल कस्टमर देता है वो सर्विस चार्जेस लगेंगे, अगर वारंटी में है तो उनको फ्री सर्विस मिलेगी। ये वैन जो है ये एक तरह से स्पीड लेके आ रही है अप कंट्री में, इंजीनियर्स को कस्टमर्स के पास लेके जा रही है, सैमसंग को कस्टमर्स के पास लेके जा रही है। अगर बात की जाए जैसे ये कहा जाए जैसे सरकार मेक इन इंडिया की बात, जी हाँ, सैमसंग का हमेशा से ये फिलॉसफी रहा है कि हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो मेक फॉर इंडिया करेंगे, और अब हमने जो सर्विसेज लॉन्च की हैं वो भी मेक फॉर इंडिया है। ये एक इंडिया को सोच के बनाया गया है, और इसलिए ये समथिंग ये ऐसी चीज है जो कि हमारे कस्टमर्स को और अप कंट्री में बहुत फायदा करेगी।